नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्य रानी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला को आगे बढ़ाते हैं और चलिए बताते हैं कि कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बता दें आपको कि फिर जरासंध एक कागज की दूरबीन से पहाड़ी की ओर देखता है तो एक सैनिक उसे झंडा लहराते हुए दिखाई देता है। तब जरासंध कहते हैं कि यह हमारे सैनिक का इशारा है कि मैदान साफ है, हमें कोई नहीं देख रहा। फिर जरासंध अपने सेनापति से कहता है कि पहाड़ी के उस ओर मथुरा है, इसलिए तुम पहाड़ी के इस ओर अपना पड़ाव डाल दो। क्योंकि सैनिक थक चुके हैं इसलिए आधी रात तक उन्हें विश्राम करने दो और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उन्हें मथुरा के लिए जाने के लिए तैयार। वर्धक कहता है जो आज्ञा महाराज। फिर जरासंध कहता है सेनापति वर्धक, जैसा कि पहले आज्ञा दी जा चुकी है, आज की रात शिविर में कहीं कोई मशाल या दीपक नहीं जलाया जाएगा ताकि किसी को यह पता ना चले कि हमारी सेना मथुरा पहुंच गई है और इसी पहाड़ी के पीछे छिपी हुई है। फिर जरासंध और उसके साथी राजाओं की संपूर्ण सेना पहाड़ी के नीचे शिविर लगाकर विश्राम करती है, लेकिन मथुरा के दो गुप्तचर ये देख लेते हैं। फिर सेनापति वर्धक आकर कहता है कि महाराज, हमारे गुप्तचर ने कहा है कि मथुरा की जनता और सेना में कोई हलचल नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्हें नहीं पता चला है कि हमारी सेना मथुरा पहुंच गई है। यह सुनकर जरासंध प्रसन्न हो जाता है। तब वह रुक्मी को बताता है कि मथुरा वालों को पता नहीं है, जब सुबह वे मथुरा का फाटक खोलेंगे तो हमारे सैनिक धड़ाधड़ मथुरा के भीतर प्रवेश कर जाएंगे और उनके होश में आने के पहले ही सारा मथुरा नगर आग में जल रहा होगा। रुक्मी कहता है परंतु मुझे आश्चर्य होता है महाराज, यह कि मथुरा का प्रबंधन कितना लापरवाह है कि उन्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं लगी कि हमारी सेना यहाँ तक पहुँच गई और वे विलासित पूर्ण तरीके से सो रही है। उधर फिर वह मथुरा के गुप्तचर छुपते हुए पहाड़ी की एक गुप्त गुफा में घुस जाते हैं। जी हाँ, पहाड़ी की एक गुप्त गुफा में घुस जाते हैं और सुराग में कुछ दूर जाकर देखते हैं। कि कई हथियारबद्ध सैनिक खड़े हुए रहते हैं, जिनके बीच से गुजरकर वे गुप्तचर अक्रूर जी के पास पहुंच जाते हैं। अक्रूर जी पूछते हैं, कहो जरासंध की सेना पहाड़ी के पीछे पहुँच गयी। दोनों गुप्तचर कहते हैं जी, उन्होंने वही डेरा डाल दिया है, जरासंध और उनकी सेना सारी रात वही विश्राम करेंगे। तब अक्रूर जी कहते हैं, चंद्रवदन सारी रात नहीं, केवल आधी रात को तो हम उन्हें जगाने जाएंगे। ध्यान से सुनो, हमारे सैनिकों की एक टुकड़ी इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतरेगी, दूसरी टुकड़ी इस पहाड़ी का चक्कर काट कर जरासंध की सेना के पीछे पहुँच जाएगी, जिससे वह दोनों ओर से घिर जाए और उन्हें भागने का मार्ग न मिल सके। अब हमारी विजय निश्चित ही है। पहले श्री कृष्ण को अपने महल में बताया है, बता दें कि इसके बाद पहले श्री कृष्ण को अपने महल में बताया है, फिर अक्रूर जी की योजना के तहत सेना की एक टुकड़ी रात्रि में पहाड़ी पर पहुंच जाती है। फिर धीरे धीरे चारों ओर से मथुरा की सेना जरासंध की सेना को घेर लेती है। फिर अक्रूर जी आसमान में देख कर कहते हैं जय श्री कृष्ण। यह सुनते ही श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। फिर अक्रूर जी तलवार निकालकर हर हर महादेव बोलते हुए आक्रमण बोल देते हैं। चारों ओर से एक साथ आक्रमण हो जाता है। वर्धक सहित जरासंध की सारी सेना के सभी सेनापति अचानक हुए इस आक्रमण को देखकर दंग रह जाते हैं और चीखने लगते हैं। आक्रमण हुआ है तब एक राजा शिविर से बाहर निकल कर कहता है, ये क्या हमारे साथ धोखा हुआ है, कोई कुछ समझ नहीं पाता है। और मथुरा के सैनिक शिविर में घुसकर मार काट करने लग जाते हैं। शिविर में चारों ओर आग लगा दी जाती है। शिविर में सोए जरासंध के पास वर्धक भागता हुआ आता है और कहता है, सम्राट धोखा हो गया। जरासंध कहता है, क्या धोखा हो गया। वर्धक कहता है, हाँ, शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया। जरासंध घबरा कर उठता है और चीख कर कहता है, सेनापति वर्धक, महाराज शल्य, बाणासुर, वामासुर और राजकुमार रुक्मी सबको सूचित करो और अभी इसी समय आक्रमण के लिए कूच करो, जाओ। वर्धक कहता है, जो आज्ञा सम्राट। सभी को सूचित किया जाता है और सभी युद्ध के लिए कूच करने का आदेश देते हैं। जरासंध अपने रथ पर सवार होता है तो देखता है कि चारों ओर आग ही आग है। फिर वह अपने मायावी अस्त्रों से
मथुरा की सेना का संहार करने लगता है। शल्य भी अपने रथ पर सवार होकर यही करने लगते हैं और बता दे आपको कि यह देखकर अक्रूर जी हैरान रह जाते हैं। उधर अपने महल की गैलरी में खड़े श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं कि शत्रु अब मायावी अस्त्र चलाने लगा है, उनका सामना करना अक्रूर जी के बस की बात नहीं, लगता है कि अब हमें ही जाना पड़ेगा। तभी सभी आसमान में देखते हैं बिजली गोंदते हुए अक्रूर जी सहित जरासंध, शल्य, बाणासुर आदि सभी आसमान में देखते हैं कि दो रथ नीचे उतर रहे हैं, जिनमें श्री कृष्ण और बलराम सवार हैं। यह देखकर जरासंध और शल्य घबरा जाते हैं। अक्रूर जी यह देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर घमासान युद्ध होता है और अंततः जरासंध सहित सभी भाग जाते हैं। फिर बताते हैं कि जरासंध को फिर से उसके साथी राजाओं द्वारा जोश दिलाया जाता है। जी हाँ, इसके बाद बताया जाता है कि जरासंध को फिर से उसके साथी राजाओं द्वारा जोश दिलाया जाता है, तो वह फिर से सेना एकत्रित करके मथुरा पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन हर बार वह मुंह दिखाता है। युद्ध चलता रहता है यूं ही कई बार और असुरों का संहार होता रहता है। हार हार कर जरासंध अंततः युद्ध की हिम्मत हार जाता है। बता दें कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों 17 बार हारने के बाद जरासंध और उसके साथी बहुत दुखी थे, परंतु सभी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये उनकी अंतिम। जरासंध सभी के समक्ष खड़ा होकर कहता है कि सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हम जीत तो ना सके, परंतु युद्ध भूमि में हम वीरों की भांति मर भी नहीं सके। शल्य कहता है कि मैं आपकी मानसिक अवस्था समझता हूँ, परंतु आपके जैसा वीर 17 बार तो क्या 100 बार भी हारने के बाद 101वीं बार युद्ध जीत सकता है। यह सुनकर राजकुमार रुक्म यानी कि रुक्मी का भाई कहता है, परंतु भैया क्या युद्ध करना आवश्यक है? यह सुनकर सभी क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह आगे कहता है कि हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अंततः युद्ध में किसी को कोई लाभ नहीं होता। दूसरी बात यह विचार करने योग्य बात है कि मथुरा के मुकाबले हमारे पास कई गुना सैन्य शक्ति है, फिर भी हम हर बार क्यों हारते हैं? मथुरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हराती है? ये बात भी हम सब जानते हैं, परंतु उसे मानता कोई नहीं। सभी उसकी ओर क्रोधित होकर देखते हैं। तब वह कहता है, क्षमा कीजिए, मैं आपसे छोटा होते हुए भी ये प्रश्न पूछने की धृष्टता करता हूँ। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं, फिर हम उनसे युद्ध की बजाय संधि क्यों नहीं करेंगे? आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पीच। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।